यूपी से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। आपको बता दें, ये घटना यूपी के कानपुर से है। देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। कानपुर की बेटी मांगे न्याय, न्याय, न्याय। वो परेशान है, वो अपनी बस्ती में निकल नहीं पाती है। ये सटर लग जाएगा अभी। यूपी के कानपुर में एक नाबालिग उच्च जाति की बेटी पर हुए अत्याचार की कहानी आपको झकझोर देगी। आपको बता दें, पीड़ित नाबालिग बेटी के माँ और पिता नहीं हैं। वह अपने बूढ़े नाना और नानी के पास रहकर ही पली बड़ी। 15 वर्षों से उसका शोषण हो रहा था। 15 वर्ष की नाबालिग बच्ची लगातार दलित युवक द्वारा किए जा रहे शोषण को सह रही थी। इतना ही नहीं, 3 बार पीड़िता के साथ बलात्कार का प्रयास भी किया गया। उसके बाद पीड़ित को अण्वस्त्र पीटा गया और जबरन पीड़िता पर विवाह का दबाव बनाया गया। इसके चलते नाबालिग पीड़ित बच्ची को अपना स्कूल भी छोड़ना पड़ा। वह अपनी सहायता के लिए प्रशासन के पास गई, लेकिन उसे प्रशासन की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। इतना ही नहीं, पीड़िता का कहना है कि जब वह प्रशासन के पास अपनी सहायता के लिए गई थी, तो वहां पर प्रशासन की तरफ से उसको खरी खोटी भी सुनाई गई। वह रोज शोषण सह रही थी। अंत में राष्ट्रीय श्रवण परिषद के अध्यक्ष पंकज धवरिया ने डीएम कानपुर ऑफिस पर पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन किया और साथ ही अपनी कुछ मांगों को भी रखा। उसके बाद प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की। HBN न्यूज की खास रिपोर्ट। प्रशासन को देख के एक 14 साल की बेटी एक चौराहे पे बैठी हुई है, लेकिन अभी तक डीएम साहब बाहर नहीं है, क्योंकि यह उनकी बेटी नहीं है और यह एक सबर समाज की बेटी है। आज अगर यह एक दलित की बेटी होती तो नंगा ना चौरा होता इस सड़कों पे, आग लगाई जा रही होती बेटी पे। लेकिन कभी कोई नहीं जागेगा। क्या आप साथियों ऐसे ही देखोगे क्या? क्या आपकी बेटी नहीं है क्या? क्या मुंह ताकोगे? क्या आपको लज्जा नहीं आती साथियों? क्या आपको लज्जा आती है? बिल्कुल शांत हो गए मेरे भाइयों। इस बिटिया के लिए अगर आज आप खड़े नहीं हुए तो ध्यान रखना, अगली बारी आपकी बेटी के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। अगली बारी आपकी बेटी के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। अगली बारी आपकी बेटी के लिए कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं होगा। और ऐसे शासन प्रशासन टूट जाते हैं जब आप जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, जानते हो या नहीं? लेकिन आपको अपनी आंतरिक ज्वाला जगानी पड़ेगी। आपको न्याय मांगना पड़ेगा। आज सारी पार्टियां, आज सारी सत्ताएं, सभी शांत हैं। हाथरस में एक दलित के साथ झूठी घटना हुई। राहुल गांधी, तमाम सारी पार्टियां वहां पे उपस्थित हो चुकी थी, लेकिन आज यहाँ पे इस मीडिया को न्याय दिलाने के लिए एक व्यक्ति, एक अधिकारी नहीं है। आपका हृदय नहीं कांपता? 2 साल से वो परेशान है, वो अपनी बस्ती में निकल नहीं पाती है। किस तरह की यहाँ पे बात हो रही बेटी बचाओ की? योगी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार क्या कर रही है? योगी सरकार क्या कर रही है? सिंकागियों में काम हो रहा है क्या? ये सटर लग जाएगा अभी। और आपको जितने मुकदमे, जितनी लाठियां तोड़वानी हो, यहाँ इस बेटी के न्याय के लिए हम लाठियां खाने के लिए तैयार है, लाठियां खाने के लिए तैयार है, लाठियां खाने के लिए तैयार है। या तो यहाँ पे आइए, इस बेटी को न्याय दीजिए। ये महिला कांस्टेबल है, माता जी आप मुझे बताइए, क्या यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी नहीं है क्या? क्या उनको लज्जा नहीं आई? ये बेटियां उनके
पैरों में बैठी हुई है, ये बेटी उनके चरणों में बैठ के न्याय मांग रही है। लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी बाहर निकल के नहीं आता। यह एक सवर्ण बेटी है मुस्कान पांडे, इसके साथ लगातार 2 वर्ष से बलात्कार जबरन विवाह एक दलित पासी युवक के द्वारा किया जा रहा है। इसकी माँ नहीं है, इसके बाप नहीं है, यह एक असहाय और एक गरीब है। स्कूल भी छूट गया बेचारी का, लेकिन इसकी कोई सुनने वाला नहीं हुआ। और थाना काका देव के SHO द्वारा कहा गया कि तू कितनी सुंदर है, आप बैठ मेरी जीप में, मैं देखता हूँ तुझे कितने लपके और गुंडे छेड़ते हैं। हमारी मांग है इस बिटिया को न्याय मिले, अपराधियों को जेल भेजा जाए, इसकी शिक्षा सुचारू की जाए, इस बेटी को बढ़ाया जाए और इसको सुरक्षा दी जाए, इसकी आर्थिक सहयोग की जाए। जब तक अगर नहीं होता DM साहब, अभी तो हम यहाँ बैठे हैं, बहुत बड़ा अनशन होगा और हम यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक DM साहब हमारी मांगों को पूरी नहीं करते। DM है कहाँ? DM तो है ना, ADM हो गया। ADM साहब मुर्दाबाद। ADM साहब मुर्दाबाद। अनुरोध ये है कि जिन भी लड़कों से इनको दिक्कत हो, नाम बाप का नाम, उम्र और थाना हमको लिख के दे दें। हमारे जितने भी ACM है, मैं सिटी मजिस्ट्रेट जिसका क्षेत्र होगा, 151 में उसको पकड़ के लाएंगे और उसके उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शिक्षा के लिए कौन सी क्लास में बेटा? 8वें में पढ़ी है, फिर 2 साल से बंद है, डर के मारे जाना। वो विषय है, वो विषय है। चलिए उसका हम देखो। तो हम लोगों का नंबर सुनो बेटा, तू हम लोगों का नंबर लिखो, हम लोग 24 घंटे उपलब्ध है। कोई बात हो हम लोग को बताओ, फोन 24 घंटे हम लोग उपलब्ध है। और सुनो, सोमवार तक अगर तुम्हारे यहाँ 2 सिपाही और दरोगा नहीं आते हैं तो सोमवार को सुबह 11 बजे हम लोग तुम्हें यही मिलेंगे। कैमरे वाले भाई साहब क्या कर रहे हैं? कैमरे कहे लगवा सकते, खुद लगवा सकते, कैमरा खुद लगवा सकते, कोई दिक्कत होगी उसमें? देखिए ज्यादा तो नहीं, देखिए आप तो सब नहीं आते। देखिए सर, आप तो यहाँ बड़े लोग हैं, सज्जन लोग हैं, मैं कुछ कह के जा रहा हूँ। इस बेटी को सुरक्षा और ये सारी अगर हकी मांगे पूरी नहीं हुई तो UP में आप देख लेना कि सवर समाज कैसे आंदोलन करता है। ये हमारी चेतावनी है, सुनिए। मामला नहीं यूपी देखेगा, कानपुर नहीं, यूपी नहीं, यूपी देख लेगा। मंडे तक ना हो काम तो मंडे को ही आना, मंडे दिखाना भी कहा नहीं हुआ कुछ किया जाएगा, अंदर हम लोग भी रहेंगे साथ में। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN News।